मॉडर्न फिजिक्स में जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है? मीन्स कि जिसके पास दो नेचर्स होंगे। अब दो नेचर क्या है? आइदर पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। यानी जिसके पास बोथ पार्टिकल नेचर होगा, वेव नेचर होगा, तो हम उसको कहेंगे कि इसके पास दोनों नेचर्स हैं। तो लाइट जो है ना, लाइट को जब हम स्टडी करते थे, तो लाइट की स्टडी में हमने पहले एक थ्योरी पढ़ी थी, न्यूटन की थ्योरी हमने पढ़ी थी। तो हमने उसमें कंसिडर किया था कि जो लाइट है, लाइट के पास पार्टिकल करेक्टर होता है, क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि लाइट इज मेड अप ऑफ द कॉर्पस, और कॉर्पस्कुलर थ्योरी को ही हम पढ़ के हमने कुछ फिनोमेनास को एक्सप्लेन किया था। जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन को देखा और रिफ्रैक्शन को हमने देखा था उसमें। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट आ गया, हाइजन। हाइजन ने कहा कि जो लाइट है, लाइट के पास पार्टिकल करेक्टर नहीं है, लाइट के पास कौन सा करेक्टर है? वेव करेक्टर है। और वेव करेक्टर से उन्होंने लाइट के कुछ और फिनोमेनास एक्सप्लेन किए, जिनमें इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो था, दैट वाज इंटरफेरेंस। क्योंकि इंटरफेरेंस पहला वो फिनोमेना था जिसे हमने एक्सप्लेन किया था कि लाइट के पास कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर होता है। और इंटरफेरेंस के बाद हमने देखा डाइफ्रेक्शन होती है, और इसके बाद हमने देखा पोलराइजेशन होती है, और वेव नेचर को ही यूज करके हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया। अब जो लाइट का पार्टिकल नेचर है, वो हमने डिस्कार्ड, ऑलमोस्ट डिस्कार्ड कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहे थे किसे? वेव नेचर से। और इसके बाद एक और फिनोमेना आ गया है जिसको आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया है, दैट वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है आइंस्टाइन ने। उसमें आइंस्टाइन ने लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर यूज किया है, और वहां पे हमने लाइट के एक पार्टिकल को लिया है, या लाइट का हमने एक पार्टिकल बना दिया है जिसको हमने नाम दिया है फोटॉन, या उस थ्योरी को हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसमें हमने एक पार्टिकल यूज किया है लाइट का, जिसको हम नाम देते हैं क्या? फोटॉन। और फोटॉन के ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करके हमने वहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। पहले हम देखते हैं कि ये जो मैटर होता है, मैटर के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, रेडिएशन के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो मैटर के पास जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है ना, जो हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, कि मैटर के पास मास होता है। यानी मैटर जो होता है, मैटर के पास कुछ फाइनाइट मास होता है, और जिस किसी के पास भी कुछ फाइनाइट मास होगा, तो हम उसको स्टडी करते थे किस हेडिंग में? मैटर की हेडिंग में उसको हम स्टडी करते। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हम यहाँ पे स्टडी करते थे, तो दैट वाज मास। अब जो ये मैटर होता था, जब ये चलता था, इसके पास कुछ वेलोसिटी होती थी, मास भी होता था, वेलोसिटी भी होती थी, तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो हमने मैटर का माना था, वो क्या होता था? दैट वाज मोमेंटम। यानी प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। तो इसके पास होता है मोमेंटम, बट मैटर के पास क्या होता था? मोमेंटम। एंड नंबर थर्ड, कि जब हम मैटर को स्टडी करते थे, कि अगर हमारे पास कोई भी चीज है, अगर हमारे पास मैटर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिटोन है, जब मैं इस सिटोन को थ्रो करता हूं, तो ये सिटोन कैसे जाती है? जब मैंने यहां से इसको थ्रो कर दिया, तो ये सिटोन ऐसे चलती है, मीन्स कि ये एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो मैटर के स्टडी में हम कहते थे, जो मैटर चलता है, ये किस लाइन में चलता है? ये स्ट्रेट लाइन में चलता है। और स्ट्रेट लाइन में चलने के बाद जब ये स्ट्राइक करता है किसी भी सरफेस को, क्या ये पूरी सरफेस पे स्ट्राइक करता है या एट ए पॉइंट स्ट्राइक करता है? तो आंसर है, ये एट ए पॉइंट स्ट्राइक करता है। तो मैटर स्ट्राइक करता था कहां पे? एट ए पॉइंट ये स्ट्राइक करता है। समझना, यानी अगर मैंने यहां से एक बुलेट को लिया है, मैंने यहां से बुलेट को फायर कर दिया है, तो जब ये बुलेट यहां से जाएगा, तो ये सीधे जाएगा ऐसे, और जब ये बोर्ड को स्ट्राइक करेगा, क्या ये पूरे सरफेस पे स्ट्राइक करेगा या एट ए पॉइंट स्ट्राइक करेगा? तो एट ए पॉइंट ये स्ट्राइक करेगा। तो अगर इसने एट ए पॉइंट स्ट्राइक कर दिया, अगर ये स्ट्रेट लाइन में चला है, इसके पास मास है, इसके पास वेलोसिटी है, तो इसके पास क्या है? मोमेंटम है। तो इसके पास मास है, तो हम इसको स्टडी करेंगे किसमें? मैटर में करेंगे। तो हम कहेंगे ना कि ये जो बुलेट है, बुलेट क्या है? ये मैटर है। अब रेडिएशन के पास क्या होना चाहिए? अगर मैटर के पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो रेडिएशन के पास क्या होना चाहिए? तो हमने कहा कि जो रेडिएशन है ना, रेडिएशन के पास होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास क्या होती है? वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स आर ट्रफ्स, को उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ होती है। तो मैटर के पास अगर मास होता है, तो रेडिएशन के पास क्या होता है? वेवलेंथ। इसी तरह अब रेडिएशन के पास दूसरी चीज होती है, तो वो क्या थी? वो थी फ्रीक्वेंसी।
यानी नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज अगर यहाँ से एक वेव ऐसे चलती है तो वो ऐसे जा रही है, अगर वो ऐसे जा रही है तो इसके पास क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, वेव लेंथ कहलाएगी, एंड नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकंड क्या कहलाएंगे, फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये रेडिएशन है। क्या है? रेडिएशन। क्योंकि जो वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी है ना, यही एक चीज को, यानी जब ये बदलते हैं ना एक चीज में, तो हमको सेंसेशन डिफरेंट डिफरेंट दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेव लेंथ, अगर मेरे पास एक वेव लेंथ आ रही है, यानी मेरे पास एक वेव लेंथ आ रही है, वेव लेंथ किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, कलर का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो जब ये वेव लेंथ आती है ना, जब ये हमारे आई में जाती है, तो एक सेंसेशन प्रोड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वेव लेंथ कम है तो मेरी आई में सेंसेशन प्रोड्यूस हो गई है ब्लू का, तो मैं कहूंगा कि ये जो कलर यहाँ पे है ये कैसा है, ब्लू। अब दूसरी आ रही है, उसकी वेव लेंथ ज्यादा है, तो अगर उसकी वेव लेंथ ज्यादा है तो मैं कहूंगा ना कि ये कौन सा कलर है, ये रेड कलर है। उसके पास भी क्या है, वेव लेंथ है। अगर वेव लेंथ है, उसके पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। तो दोनों के पास वेव लेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों क्या है, दोनों रेडिएशन है। मगर जब सेंसेशन ही प्रोड्यूस करती है तो अलग अलग होते हैं, एक ब्लू होता है, दूसरा कैसा होता है, रेड होता है। मगर दोनों के पास क्या था, दोनों के पास वेव लेंथ थी। अगर दोनों के पास वेव लेंथ तो दोनों क्या कहलाएंगे, दोनों रेडिएशन कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? अब जब ये अगर इसके पास वेव लेंथ है, अगर इसके पास फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, रेडिएशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब यहां से देखो, अगर पानी में एक वेव जनरेट हो गई है, सपोज हमने पानी में एक पत्थर को डाल दिया, तो वहां से जनरेट क्या होती है, रिपल्स, या वहां से वेव लहर चलती है। तो जब ये चलती है, क्या ये स्ट्रेट चलेगी या ऐसे चलती है, ऊपर डाउन, तो ये अपनी अप डाउन चलती है। तो अगर ये अप डाउन चलती है तो हम कहेंगे ना कि वेव जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ये स्प्रेड होके चलती है, तो वो स्प्रेड होके चलती है। समझ में आ रहा है? अब अगर ये वेव स्ट्राइक करेगी, देखो अगर यहां से ये वेव आ रही है, तो जब ये स्ट्राइक करेगी, अगर मैंने इसके सामने ये सरफेस लगा दी, तो जब ये स्ट्राइक करेगी तो क्या ये एट ए पॉइंट स्ट्राइक करेगी या सरफेस पे स्ट्राइक? तो आंसर है ये सरफेस पे स्ट्राइक। सपोज अगर आपने यहाँ पे एक दीवार लगा दी है, या आपने कोई चीज यहाँ पे लगा दी, यहाँ से वाटर की वेव आ रही है, तो ये ऐसे आएगी। जब ये ऐसे आएगी ना, ये इसको स्ट्राइक करेगी, क्या ये एट ए पॉइंट स्ट्राइक करेगी या एट ए सरफेस स्ट्राइक करेगी? तो एट ए सरफेस स्ट्राइक करेगी। तो जिसके पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो उसको हम नाम देते हैं, ये क्या है, ये रेडिएशन। ये क्या है, रेडिएशन। अगर मैंने अब यहां से एक ब्लड को फायर कर दिया, तो ब्लड के पास क्या होता है, मास होती है। अगर उसके पास मास होता है, उसके पास मोमेंटम होती है। अगर उसके पास मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम जो होता है ना, मीन्स क्या, अगर उसके पास वेलोसिटी होती है, तो उसके पास एनर्जी भी होती है। अगर ये ब्लड यहां से जाएगा, तो इसके पास क्या है, एनर्जी है। तो अब मैंने एक ब्लड को फायर कर दिया, तो इसके पास एनर्जी है। एनर्जी कितनी होगी, हाफ ऑफ एमवी स्क्वायर। सपोज हाफ ऑफ एमवी स्क्वायर का वैल्यू 4 आ रहा है या 5 आ रहा है। अगर 5 आ रहा है, एक ब्लड का, एक ब्लड की वेलोसिटी जो है वो 5 आ रही है, तो दो ब्लड की वेलोसिटी किसके बराबर होगी, 2 × 5। 3 की किसके बराबर होगी, 3 × 5। 4 की किसके बराबर होगी, 4 × 5। तो अगर एक की है 5, दूसरे की क्या होगी, 2 × 5 मीन्स 10। 3 की तीसरी की होगी, 3 × 5 होगी 15। 4 की क्या होगी, 4 × 5 हो गया 12। क्या अब इस ब्लड के पास एनर्जी होगी 7? नहीं, क्योंकि पहले के पास कितनी थी, 5, दूसरे के पास कितनी थी, 10, तीसरे के पास कितनी होगी, 15। क्या 11 का मिलना मुझे पॉसिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब है ना कि पार्टिकल जब चलता है ना, या मैटर जब चलता है, तो उसके पास जो एनर्जी होती है, क्या वो कंटिन्यू होती है, डिस्क्रीट होती है? डिस्क्रीट होती है। और डिस्क्रीट को ये हम कहते हैं ना कि ये पैकेट्स में जैसे चलती है। कैसे चलती है, पैकेट्स में चलती है। अब वेव में क्या होता है, क्या वेव में भी डिस्क्रीट मुझे मिलेगी या कंटिन्यू मुझे मिलेगी? तो आंसर है मुझे कंटिन्यू मिलेगी। क्योंकि अगर वेव यहां से जा रही है ना, ये अगर वेव जा रही है, तो इस वेव जब ये वाला पोर्शन मेरे पास आएगा, तो ये एनर्जी लेके आएगा। जब ये आ जाएगा, ये एनर्जी, जब ये वाला पोर्शन आ जाएगा, तो ये एनर्जी लेके आ जाएगा, तो ये वाला पोर्शन भी मेरे पास एनर्जी लेके आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वेव में जब एनर्जी मुझे मिलती है ना, क्या वो पैकेट्स में या डिस्क्रीट फॉर्म में मिलती है? आंसर है नहीं, बल्कि वो कैसे मुझे मिलती है, वो कंटिन्यूअस मुझे मिलती है। अब जिस चीज के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो उसको हमने स्टडी किया था किसमें, मैटर में। जिसके पास ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे, तो उसको हम स्टडी कैसे करते थे, रेडिएशन में करते थे। अब अगर कोई चीज आ रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, एट ए पॉइंट स्ट्राइक करता है, तो हम कहते थे कि ये क्या है, ये मैटर है। समझ में आ रहा है? अब देखो, वे लाइट जो है ना, लाइट को हमने स्टडी किया था, हमने लाइट में कहा था कि लाइट इज मेड अप ऑफ, या लाइट जो है, लाइट वेव फ्रंट्स की बनी है, हाइजन के वेव थ्योरी के हिसाब से। तो अगर हाइजन के वेव थ्योरी के हिसाब से हम पढ़ते हैं, तो लाइट इंटरफेरेंस दिखाती है,
लाइट डाइफ्रेक्शन दिखाती है, लाइट पोलराइजेशन दिखाते थे, तो हम कहते थे कि लाइट क्या है, लाइट वेव की बनी है, यानी लाइट के पास वेव कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर वो किसी पॉइंट को स्ट्राइक करेगा तो वो कैसे स्ट्राइक करेगा, अगर वो जा रही है तो कैसे जा रही है, वेव के फॉर्म में जाएगी, स्प्रेड होके जाएगी। और अगर वो कहीं पे स्ट्राइक कर दिया तो क्या एट ए पॉइंट स्ट्राइक करेगी या सरफेस को स्ट्राइक करेगी, तो वो सरफेस को स्ट्राइक करेगी। मगर जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ने कहा कि अगर यहां पे मैंने एक सरफेस को रखा है तो जब हम इस पे लाइट डालते हैं, हर कोई लाइट नहीं बल्कि उस लाइट के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक या उसके पास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जिसको हम बाद में इफेक्ट ये पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फॉर्म में उसको हम पढ़ेंगे, वहां पे हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जब हम यहाँ पे एक सरफेस को रखते हैं तो इसके सामने जब हमने लाइट को जला दिया है और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो हम यहां से देखते हैं कि यहां से एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन उखड़ गया है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाएगा, एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, सरफेस से नहीं बल्कि एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। एक पॉइंट से बाहर निकालना किसका काम था, मैटर का था। अब लाइट ने भी एक ही पॉइंट से बाहर निकाला है तो बता लाइट इस वक्त बिहेव कैसे करती है, पार्टिकल जैसे करती है। अब लाइट ने जब इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखा दिए तो वो कैसी है, वेव है। पार्टिकल को एक ही, इलेक्ट्रॉन को एक ही पॉइंट से बाहर उखाड़ती है तो वो कैसी बिहेव करती है, पार्टिकल की बिहेव करती है। तो लाइट के पास क्या वेव करेक्टर है या पार्टिकल करेक्टर है या दोनों है, तो आंसर है लाइट के पास क्या है, दोनों करेक्टर। अब जो ये लाइट के पास दोनों कैरेक्टर्स है ना, इसको हमने ऐसी स्टडी नहीं किया है बल्कि हमने इसके लिए एक लाइट का पार्टिकल चुना है, और जो लाइट का वो पार्टिकल है ना उसको हम नाम देते हैं क्वांटा या उसको हम नाम देते हैं फोटो। तो हम लाइट को स्टडी करते हैं व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट द पैकेट ऑफ लाइट, जिसको हम नाम देते हैं फोटोन या जिसको हम नाम देते हैं क्वांटा ऑफ लाइट। तो उसको हम स्टडी करते हैं बाय यूजिंग द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बाय यूजिंग द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक ने लाइट जो ये कैरेक्टर है या जो ये लाइट के पास दोनों कैरेक्टर है, तो इसके लिए प्लैंक ने हमको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है, एक ऐसी चीज का कॉन्सेप्ट दिया है जिसको हम नाम देते हैं फोटॉन। क्या नाम देते हैं, फोटॉन देते हैं। तो फोटॉन क्या है, फोटॉन को अब हम मानते हैं कि ये लाइट का पार्टिकल है। ये क्या है, लाइट का पार्टिकल है। अब ये जो लाइट का पार्टिकल है ना, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बना दिए, हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे बना दिए हैं कि सच दैट कि जब ये चले, ये किस फॉर्म में चले, ये कैसे चले, ये पार्टिकल की तौर पे चले, और जब ये स्ट्राइक करे ना तो ये कैसे स्ट्राइक करे, ये वेव के फॉर्म में स्ट्राइक करे। समझ में आ रहा है। तो जैसे कि हम यहां, अगर मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूं कि जब हम एक बैलून लेते हैं, सपोज बैलून में हमने पानी भर दिया है, तो अगर हमने बैलून में पानी भर दिया है तो जब ये बैलून हम एक जगह से दूसरी जगह फेंकते हैं तो ये कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। और जब ये एक सरफेस को लगेगा, क्या ये एक ही पॉइंट पे लगेगा या सरफेस पे लगेगा, सरफेस पे लगेगा, तो वहां से बाहर आ जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा। तो हम कहेंगे ना कि अगर इसने सरफेस पे स्ट्राइक कर दिया तो कैसे स्ट्राइक करता है, रेडिएशन के तौर स्ट्राइक करता है। और जब ये चला था, ये कैसे चला था, ये पार्टिकल के फॉर्म में चला था। अब इसके पास कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक है या दोनों है, तो इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जिसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूअल नेचर। क्या कहते हैं, ड्यूअल नेचर। अब जो ये ड्यूअल नेचर है ना, इस ड्यूअल नेचर को हम स्टडी करते हैं बाय यूजिंग द डी ब्रॉयज वेव इक्वेशन, या डी ब्रॉयली ने एक इक्वेशन बना दी है जिसको हम कहते हैं कि लाइट का ड्यूअलिटी कैरेक्टर जो स्टडी किया है उसको हम एक इक्वेशन के तौर पर स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं डी ब्रॉयज वेव इक्वेशन या डी ब्रॉयज वेव कैरेक्टर, ये ड्यूअल कैरेक्टर। जो ये ड्यूअलिटी है ना, इस ड्यूअलिटी से हमने देखा कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर का, यानी मैटर किस चीज का बना हुआ है, मैटर के पास क्या होता है, मास होता है। और जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो हमने देखा उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल को तोड़ा हमने देखा उसमें एटम्स होते हैं, एटम्स को हमने तोड़ा तो वहां से हमने जो फंडामेंटल पार्टिकल मिला वो इलेक्ट्रॉन था। क्या था, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ना, इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, मास होता है। अगर इसके पास मास है तो ये क्या है, मैटर है। और बाद में हम देखेंगे कि डी ब्रॉगली जो है, डी ब्रॉगली ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये चलता है इसके साथ भी एक वेव एसोसिएट होती है, मास भी इसका तो इसके साथ वेव भी एसोसिएट होती है। अगर इसके साथ वेव भी एसोसिएट होती है, वेव लेंथ एसोसिएट होती है, तो वेव लेंथ किसका कैरेक्टरिस्टिक था, रेडिएशन का। मास किसका कैरेक्टरिस्टिक था, मैटर का। अगर इसके पास दोनों चीजें हैं तो बता इसके पास एक नेचर है या दोनों नेचर, तो इसके पास दोनों नेचर, तो हम कहेंगे कि इसके पास भी कैसा है, ड्यूअल नेचर।
क्या दो नेचर का होना पॉसिबल था या नहीं था? आंसर है दो नेचर का पॉसिबल, ये दो नेचर होना पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जब हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं हमारे पास बहुत सारे लॉज थे, तो लॉज को हमने फिजिक्स के प्रिंसिपल के को यूज करके, यूनिफिकेशन का प्रिंसिपल यूज करके हमने बहुत सारे लॉज को कम कर दिया है और हमने चार ही लॉज बना दिए। इसी तरह डिफरेंट फोर्सेस ऑफ नेचर को हमने कम कर दिया है, तो हमने यूनिफाई कर दिया है, तो हमने कम से कम उनको हेडिंग्स में ला दिया है, तो चार ही फोर्स हमने कहा कि चार ही फोर्स है। अब ये जो यूनिवर्स है, क्या यूनिवर्स बहुत सारे चीजों का बना होगा या कम से कम? तो हमने कहा कि ये कम से कम चीजों का बना होगा। अब ये किसका बना था? हमने कहा था ये आइदर मैटर का भी बना है और रेडिएशन का भी बना है। तो बाद में आइंस्टाइन ने कहा कि ये दो चीजों का नहीं बना होगा, ये एक ही चीज का बना होगा। और वो चीज क्या है? उसके एक साइड को जब हम स्टडी करते हैं तो हमको मैटर दिखता है, दूसरे साइड को जब हम स्टडी करते हैं तो हमको क्या दिखता है? रेडिएशन दिखता है। और जब हम कंबाइंड उसको देखते हैं तो हमको मैटर भी दिखता है और रेडिएशन भी दिखता है। उसको हम कहते हैं क्या? ड्यूअल कैरेक्टर या ड्यूअल नेचर। समझ में आ रहा है? तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि मैटर के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे और रेडिएशन उसके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब जो ये फंडामेंटल पार्टिकल हमने यहाँ पे लिया था मैटर का, तो वो क्या था? इलेक्ट्रॉन ओएम। इसी तरह न्यूट्रॉन ओएम। तो हमने लाइट का एक फंडामेंटल पार्टिकल माना है जिसको हम नाम देते हैं फोटॉन। इसका मतलब है कि ये भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो अब जब हमने इसके नॉमेनक्लेचर कर दिया तो हमने इसको बना दिया है, लास्ट में हमने इसके भी लगा दिया है ओएम। मीन्स की जिस तरह मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, इसी तरह हमने लाइट का भी एक पार्टिकल माना है जिसको हम नाम क्या देते हैं? फोटॉन देते हैं। अब जिस तरह हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं, इसी तरह हमने फोटॉन को भी स्टडी करते हैं। और फोटॉन को स्टडी करने के लिए हमने एक थ्योरी ली है, दैट इज मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, दैट इज मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो मैक्स प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी के हिसाब से अब इसने कुछ पॉस्टुलेट्स बना दिए हैं, तो हम उन पॉस्टुलेट्स को ये करेंगे, स्टडी करेंगे एक एक करके। हम इलेक्ट्रॉन का नेचर जो है या इलेक्ट्रॉन के पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको भी हम स्टडी करेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो ये फोटॉन है, इस फोटॉन के पास पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो ये है। तो आप इसको लिखो, द रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन इज जीरो, द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो। यानी फोटॉन के पास जो रेस्ट मास होता है वो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो। जब हम रिलेटिविटी को लेते हैं तो रिलेटिविटी में हम कहते हैं, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम देखते हैं कि m is equal to m naught divided by under root of 1 minus b square divided by c square। अब m naught क्या है? m naught होता है रेस्ट मास। v क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। c क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर हम यहां से देखेंगे m naught का वैल्यू होगा ना बराबर m अंडर रूट ऑफ 1 minus b square divided by c square। अब जो ये पार्टिकल होता है, जो ये फोटॉन होता है, हमने कहा कि इसका रेस्ट मास क्या होता है? जीरो के बराबर होता है। रेस्ट मास मीन्स कि जब ये रेस्ट में होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम यहां से देखेंगे m नॉट इज इक्वल, m नॉट इज इक्वल m इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस, अगर v किसके बराबर होगा? c के बराबर, तो c स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर किसके बराबर होगा? वन के बराबर। वन माइनस वन क्या होगा? जीरो। जीरो इंटू दिस थिंग किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। तो m नॉट का वैल्यू किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। तो जो ये फोटॉन होता है, फोटॉन का रेस्ट मास किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर। तो पहला जो हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक लिखा है फोटॉन का, वो ये है, द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो, द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो। समझ में आ रहा है? तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आप देख लीजिए, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम द फोटॉन ट्रेवल्स विद ए स्पीड, द फोटॉन ट्रेवल्स विद ए स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो वैक्यूम में जब ये फोटॉन चलता है, इसकी स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। एंड इन मीडियम इट इज स्पीड एंड वेवलेंथ, इट इज स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम।
इट इज फ्रीक्वेंसी, इट इज स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। नंबर थर्ड पॉइंट आप लिख लीजिए, विद एवरी फोटॉन, विद एवरी फोटॉन व्हेन इट ट्रैवल्स देयर इज ए वेव एसोसिएटेड विद इट, देयर इज ए वेव एसोसिएटेड विद इट एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस it strikes like a particle, it strikes like a particle। जब ये फोटॉन चलता है तो इसके साथ वेव एसोसिएट होती है, और जब ये स्ट्राइक करता है तो it strikes like a particle। नंबर फोर्थ आप लिख लीजिए, When a photon is placed in electric and magnetic field, it shows no deflection. That means photon is chargeless. Now there is no charge associated with the photon. There is no charge associated with the photon. अब इसके बाद आप लिख लीजिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखो, एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, द पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज क्वांटा, इन केस ऑफ लाइट दीज एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज फोटॉन्स, these energy packets are known as photons। stop। Planck related the energy of photon, Planck related the energy of photon with the frequency, with the frequency as is directly proportional to nu, is directly proportional to nu। nu क्या है? nu frequency है। यानी अगर हम देखेंगे कि अगर मेरे पास ये एक पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक चीज है, ये ऐसे वाइब्रेट कर, अगर ये ऐसे वाइब्रेट करती है तो मैंने इसके साइड में एक उंगली को लगा दी, अगर ये फिंगर मैंने यहां पर रखी है तो ये एक सेकंड में एक ही मरतबा इसको स्ट्राइक करता है, एक सेकंड में एक ही मरतबा। तो अगर एक सेकंड में एक ही मरतबा, बताए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? वन। अगर ये एक सेकंड में 10 टाइम्स ये इसको स्ट्राइक करेगा तो बताए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकंड। तो जब ये यहां जाएगा फिर इधर आएगा तो ये कंप्लीट साइकिल कहलाएगा। अब अगर ये एक ही सेकंड में एक ही मरतबा, तो एक साइकिल हो गया, एक सेकंड में 10 टाइम्स तो कितना हो गया? 10 साइकिल हो गए। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड क्या होती है? फ्रीक्वेंसी।
अब अगर ये ज्यादा ज्यादा ऐसे स्ट्राइक करेगा, मीन इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ये इसमें एनर्जी भी इंपोर्ट क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो उसी चीज को हमने कहा कि मोर इज द फ्रीक्वेंसी मोर इज द एनर्जी, यानी जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी या जिसके पास फ्रीक्वेंसी होगी तो वो एनर्जी भी क्या होगी, उसके पास एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहां से चेंज कर देंगे तो यहां से आ जाएगा E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का वैल्यू हमने, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का वैल्यू होता है 6.63 इनटू 10 रेज पावर -34 जूल्स, समझ में आ रहा है, पर सेकंड जूल्स पर सेकंड, 6.63 इनटू 10 रेज पावर -34 जूल्स पर सेकंड। तो ये किसका वैल्यू होता है, ये एच का वैल्यू, वेयर एच क्या है, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू आपको याद रखना है। तो अगर किसी के पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उसके पास क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी तो उसके पास फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू और E इज इक्वल टू एच न्यू, इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू किसके बराबर है, 6.63 इंटू 10 रेज पावर -34 जूल्स पर सेकंड। अब अगर यहां से देखेंगे तो एनर्जी ऑफ फोटॉन किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। अब न्यू किसके बराबर होता है, न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड होती है ना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो 1/टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो डिस्टेंस लैम्बडा इज इक्वल टू किसके बराबर है, सी के बराबर, तो न्यू का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, सी डिवाइडेड बाय। तो हम यहां से कहेंगे ना ई इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, लैम्बडा। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर। तो एनर्जी यहां ऐसे कहेंगे एनर्जी ऑफ फोटॉन किसके बराबर होती है, एच न्यू, या एनर्जी ऑफ फोटॉन किसके बराबर होती है, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा। अब फोटॉन क्या है, फोटॉन को हमने लाइट का पार्टिकल माना, अगर वो पार्टिकल है तो उसके साथ एसोसिएट क्या है, वेवलेंथ। तो पार्टिकल के साथ एसोसिएट क्या है, वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ उसके साथ एसोसिएट है, बता वो पार्टिकल है, वेव है या ड्यूअल है, तो ड्यूअल है, समझ में आ रहा है ना, असल चीज यहाँ पे है। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन, फोटॉन को हमने क्या माना है, वो लाइट का पार्टिकल है, अगर वो लाइट का पार्टिकल है तो उसके साथ एनर्जी जो एसोसिएट है, दैट इज E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। पार्टिकल के पास एनर्जी है एच सी बाय लैम्बडा, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ। तो पार्टिकल के साथ एसोसिएट है क्या, वेवलेंथ, समझ में आ रहा है। इसी चीज को हमने कहा है कि उसने कॉन्सेप्ट दिया है किसका, फोटॉन का, और उसने कहा है कि फोटॉन के साथ एसोसिएट क्या होती है, एक वेवलेंथ एसोसिएट होती है। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन किसके बराबर होती है, एनर्जी ऑफ फोटॉन होती है ना E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा, समझ में आ रहा है। अब देखो अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज करेंगे तो हमने कहा था कि लाइट के पास क्या, ये मैटर के पास क्या होता है, मास होता है, मास के साथ साथ उसके पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। अब लाइट का पार्टिकल हमने लिया है तो उस पार्टिकल के साथ एसोसिएट क्या होती है, वेव, और पार्टिकल की एनर्जी किसके बराबर होती है, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा, वेयर सी इज द स्पीड। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज करेंगे तो एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ एमवी स्क्वायर के बराबर, वेयर v इज वेलोसिटी। तो हम यहां से देखेंगे ना एनर्जी होती है ना हाफ ऑफ एमवी स्क्वायर, हाफ को छोड़ दो क्योंकि वो एवरेज हम लेते हैं, तो c के बजाय मैं क्या लिखूंगा, v के बजाय मैं क्या लिखूंगा, c, क्योंकि v भी स्पीड है, c भी स्पीड है, तो एमवी स्क्वायर, हाफ ऑफ एमवी स्क्वायर, v के बजाय क्या आ गया, c स्क्वायर इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय लैम्बडा। बोलो c और c क्या हो जाएगा, कैंसिल, m और c is equal to h divided by lambda। बोलो mc क्या है, mass into velocity, mass into velocity क्या होता है, momentum। बोलो momentum किसके बराबर हो गया, h divided by lambda। तो energy of photon किसके बराबर होती है, hc divided by lambda, and momentum of photon किसके बराबर होता है, h by lambda। समझ में आ रहा है। अब momentum किसका था, particle का, lambda किसका था, wave का। तो particle के साथ associate क्या है, wave है। तो यही चीज जो है ना, यही Newton की dual nature, समझ में आ रहा है। तो विद एवरी पार्टिकल या विद एवरी मोमेंटम देयर इज एसोसिएटेड ए वेव। तो जिसके पास मोमेंटम है, अब हर एक चीज के पास, जिसके पास मास होता है, जिसके पास वेलोसिटी होती है, जिसके पास मोमेंटम होगा तो उसके पास एसोसिएट क्या होगी, वेव भी होती है, समझ में आ रहा है। तो अब जो एनर्जी का पैकेट हमने लिया है इन टर्म्स ऑफ लाइट में, जो एनर्जी का पैकेट हमने लिया उसको हमने नाम क्या दिया है, फोटॉन। तो फोटॉन की एनर्जी किसके बराबर होती है, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा या एच न्यू के बराबर, और फोटॉन का मोमेंटम किसके बराबर होता है, तो उसका मोमेंटम होता है एच डिवाइडेड बाय लैम्बडा के बराबर, समझ में आ रहा है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो हमने फोटॉन लिया है, यानी उसका जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एच से बना दी है,
कि जब हमको पार्टिकल चाहिए तो हमको पार्टिकल के तौर पे वो एक्ट करेगा, जब वेव चाहिए तो वेव के तौर पे वो एक्ट करेगा। अब जो फोटोन हमने लिया है तो उसकी एनर्जी किसके बराबर होती है, एच न्यू, या होती है बराबर एच सी डिवाइडेड बाय नंबर, और उसका मोमेंटम किसके बराबर होता है, उसका मोमेंटम होता है एच डिवाइडेड बाय नंबर के बराबर। तो ये आपको याद रखना, समझ में आ रहा है। तो जो फोटॉन होता है, फोटॉन के पास क्या होती है एनर्जी, किसके बराबर होती है, एच सी बाई लैम्डा, और इसका मोमेंटम किसके बराबर होता है, एच डिवाइडेड बाई लैम्डा के बराबर। समझ में आ रहा है। अब मोमेंटम की डेफिनेशन को भी हम यहां से बदल के चलते हैं। तो एनर्जी किसके बराबर आ गई है, एनर्जी आ गई है ना एम सी, यानी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब देखो यहां से मोमेंटम को हम क्या मानते थे, मोमेंटम हम मानते थे ये होता है एम वी के बराबर। समझ में आ रहा है ना। तो एनर्जी 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 किसके बराबर है, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। मगर जब हमने एनर्जी के रिलेशन देखे क्लासिकल मैकेनिक्स से, वो किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यानी मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। हमने यहां से पी का वैल्यू निकाला, पी का वैल्यू किसके बराबर आ गया, एच बाय लैम्डा के बराबर। समझ में आ रहा है। अब मोमेंटम को हम ऐसे भी कहेंगे, मोमेंटम होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। देखो मोमेंटम क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी किसके बराबर है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी आ जाएगा, वी और वी क्या हो गया है कैंसल, तो एम वी क्या है मोमेंटम, तो मैं लिखूंगा ना मोमेंटम होगा बराबर एनर्जी बाय वेलोसिटी के बराबर। समझ में आ रहा है। मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो जब हम यहां से लेते हैं तो मोमेंटम होता है बराबर मास इनटू वेलोसिटी, मैंने लिखा है मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को ही मैं लिखूंगा ना इन अनदर लैंग्वेज में, मोमेंटम को ही लिखूंगा ना एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ को आप छोड़ दो, ये एवरेज काम देते हैं, डिवाइडेड बाय आ जाएगा ना वेलोसिटी, वेलोसिटी वी और बी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से क्या बचेगा एम वी, एम वी क्या होता है मोमेंटम। तो मैं यहां से कहूंगा ना कि मास एनर्जी अपॉन वेलोसिटी भी क्या होता है मोमेंटम। अब जिसके पास, जिस पार्टिकल के पास या जिस किसी चीज के पास एनर्जी होगी, जिस किसी के पास भी वेलोसिटी होगी, तो उसके पास क्या होता है मोमेंटम। अब जब लाइट का पार्टिकल चलेगा उसके पास क्या होती है एनर्जी होती है, उसके पास क्या होती है वेलोसिटी होती है, अगर उसके पास एनर्जी है उसके पास वेलोसिटी है तो उसके पास क्या होगा मोमेंटम। समझ में आ रहा है। तो अब हम ऐसा कहेंगे कि हमने यहां से मोमेंटम की डेफिनेशन को भी बदल दिया, हम कहेंगे कि जिसके पास एनर्जी होती है, जिसके पास वेलोसिटी होगी, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास मोमेंटम। समझ में आ रहा है। अब जो कोई भी चीज चलेगा जिसके पास एनर्जी होगी, जिसके पास वेलोसिटी होगी, तो हम कहेंगे ना कि उसके पास क्या होता है मोमेंटम होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहां से हमने कहा कि जो लाइट का पार्टिकल है, लाइट के पार्टिकल के पास जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, एच न्यू या एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, उसका मोमेंटम किसके बराबर होता है, एच डिवाइडेड बाय लैम्डा के। अब जो ये चीज है ना, ये चीज एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, जो लैम्डा है, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ होगी एंगस्ट्रॉम में भी वेवलेंथ होती है नैनोमीटर्स में। अब अगर ये, अगर लैम्डा का वैल्यू होगा मीटर्स में, तो इसका मतलब है कि हम एसआई में लेते हैं, तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल। तो एनर्जी का यूनिट होगा जूल, कब हो गया, एनर्जी का यूनिट होगा जूल जब हम सी स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में लेंगे, लैम्डा मीटर में लेंगे, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो उस वक्त जो एनर्जी हम लेंगे ना वो क्या होगी, वो होगी जूल में, मीन एसआई होगा, यानी एनर्जी का एसआई यूनिट हम लेंगे उस वक्त जूल लेंगे। समझ में आ रहा है। अब अगर ये एनर्जी, अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम के बजाय, ये मीटर के बजाय एंगस्ट्रॉम में होगा, तो एनर्जी का यूनिट क्या आ जाएगा, क्या एनर्जी उस वक्त भी जूल होगी या एनर्जी उससे कम होगी, आंसर है एनर्जी उस वक्त जूल से कम होगी, मिली जूल में होगी नहीं, नैनो जूल में होगी नहीं, बल्कि उससे भी कम एनर्जी का हम यूनिट उस वक्त लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम एक रिलेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हम एक रिलेशन पढ़ते हैं कि जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू क्यू इनटू वी, एनर्जी किसके बराबर होते हैं, वर्कडन का फार्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू वी, वेयर वी इज द पोटेंशियल, क्यू इज द चार्ज। अगर मैंने एक चार्ज यहाँ पे लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया है, उसके साइड में मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लगा दिया है, वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैंने लगा दिया,
तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से एक्सेलरेट करेगा, तो जब ये एक्सेलरेट करेगा ये मूव करेगा, मूव में इसके मूवमेंट में इसके पास एक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब जितनी एनर्जी इसके पास होगी वो होगी ना क्यू इंटू वी, वी कितना है वन, क्यों क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻¹¹। अब जो एनर्जी उस वक्त होगी ना उसको हम कहते हैं दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है 1.6 × 10⁻¹¹। समझ में आ रहा है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो 1 जूल किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 ÷ 1.6 × 10⁻¹¹। समझ में आ रहा है, तो आपको याद रखना है अगर आपको एनर्जी जूल्स में लेनी है तो एच सी डिवाइडेड बाई लेमड़ा जो है, लेमड़ा किस में लेना है मीटर्स में, सी किस में लेना है मीटर पर सेकंड में, मगर वो एनर्जी का क्या बनेगा बड़ा यूनिट। अगर एनर्जी का छोटा यूनिट हमको लेना है तो एनर्जी का छोटा यूनिट मिली माइक्रो नैनो के बजाय क्या आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 × −19 जूल्स। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक वोल्ट मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है एक इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम एक साइड से दूसरे साइड तक लेने के लिए जिस एनर्जी के साथ वो मूव करेगा, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स। तो यहां से हम 1 जूल को भी निकाल सकते हैं, 1 जूल किसके बराबर 1 ÷ 1.6 × 10⁻¹⁹। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब यहां से हम इसकी डेराइवेशन करेंगे, तो एच का वैल्यू जो है, एच का वैल्यू हमको मालूम है, एच का वैल्यू हमने अभी देखा है 6.63 × 10⁻¹⁴। एच का वैल्यू तो E = hc/λ, तो मैं यहां से लिखूंगा E = hc/λ, hc/λ। तो ये जो डेराइवेशन मैं यहां पे करूंगा ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज है। एच का वैल्यू हम जानते हैं, एच का वैल्यू किसके बराबर होता है 6.63 × 10⁻¹⁹। सी का वैल्यू किसके बराबर होता है, सी होता है 3 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय आ जाएगा क्या, डिवाइडेड बाय आ जाएगा लैम्डा। बताइए क्या है, दिस इज द एनर्जी। अब ये एनर्जी किसकी है, एक फोटॉन की एनर्जी। समझ में आ रहा है, 6.63 × 10⁻¹⁹ × 3 × 10⁻¹⁸। तो एनर्जी किसमें है, जूल्स में। तो हमने अभी देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स, तो 1 जूल किसके बराबर होगा 1 ÷, तो E का वैल्यू आ जाएगा ना 6.63 × 10⁻¹⁹ × 3 × 10⁻¹⁸ डिवाइडेड बाय आ जाएगा लैम्डा। एनर्जी किसमें थी, जूल्स में। अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दूं ये आ जाएगा ना 1 ÷ 1.6 × 10⁻¹⁹। अब एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो 10⁻¹⁹ और 10⁻¹⁹ तो 10⁻¹⁸, तो दैट विल बी इक्वल टू E इज इक्वल टू 6.63 × 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू 1.6। अब सिंपलीफाई करने के बजाय 19, 34 और 8 तो ये हो गए 27, तो ये आ जाएगा इनटू 10⁻¹⁷। समझ में आ रहा है, एनर्जी किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो E का वैल्यू आ गया है ना बराबर 3 डिवाइडेड बाय 1.6, तो दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.63 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 × 2 = 6, तो दैट विल बी इक्वल टू 12.4 डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू 10⁻¹⁷ कितना आ जाएगा −7। और अगर मैं लैम्डा को लूंगा एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, तो ये मीटर में, अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में लूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा 10⁻¹⁰, तो E का वैल्यू आ जाएगा ना बराबर 12.4 इंटू 10⁻¹⁷ इंटू 10⁻¹⁰ −10 को ऊपर ले जाए बन जाएगा 10⁻¹+10, तो 10⁻¹+10⁻¹⁻ वो बचेगा 10⁻¹+3, तो यहां से आ जाएगा +3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मगर लैम्डा आप किसमें आ रहा है एंगस्ट्रॉम में, तो दैट विल बी इक्वल टू E का वैल्यू आ जाएगा ना 2400 डिवाइडेड बाय लैम्डा किसमें आप एंगस्ट्रॉम में इनटू आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो आपको याद रखना, अगर अगर आपको एनर्जी दी गई है या अगर आपको वेव लेंथ ऑफ द लाइट दी गई है एंगस्ट्रॉम में, तो HC का वैल्यू कितना लेना है 1400। समझ में आ रहा है, अगर आपको ये वेवलेंथ दी गई है नैनोमीटर्स में, तो यहां से आ जाएगा 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है 10⁻¹⁰, तो ये 10⁻¹⁰ इनटू 10⁻¹⁹ ऊपर आ जाएगा वो बन जाएगा 10⁻¹⁷ इनटू 10⁻¹⁹ वो बचेगा 10⁻¹⁪। 1 2.4
12.4 डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू 10 रेज पावर कितना आ जाएगा 2, तो दैट विल बी इक्वल टू ई का वैल्यू आ जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा, मगर लैम्डा किस में, नैनोमीटर्स में, तो एनर्जी पेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है? तो आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको याद रखना है कि अगर आपने देखा कि आपके लाइट की वेवलेंथ जो है वो आपको एंगस्ट्रॉम में दी गई है, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है 12400। अगर नैनोमीटर्स में दी गए हैं तो आपको डायरेक्ट पुट करना है 1240। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन हम करेंगे इस पे, मगर आपको ये आपको याद रखना है कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो एनर्जी किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगी। अगर आप इसको एनर्जी को कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई किससे करना है? 1.6 × 10⁻¹⁰।